मैं डॉक्टर आर पी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। दुनिया के तमाम देशों में औषधीय लाभ के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पौधों में से एक सनाई का पौधा भी है। सनाई को सेना के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा फूलों से युक्त होता है और दाल और फलियों के परिवार से ताल्लुक रखता है। इस औषधीय पौधे की 50 से ज़्यादा प्रजातियाँ खेती की जाती हैं दुनिया भर में। इस पौधे की जंगली प्रजाति तो 350 के आसपास हैं। इस चमत्कारी पौधे के वैसे तो कई हिस्सों का प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें सनाई की पत्तियों को विशेष लाभदायक माना जाता है। वैसे तो सनाई के पत्ते की लैक्सेटिव गुणों के कारण इसे कब्ज के इलाज, कोलोनोस्कोपी से पहले मलोत्सर्ज की तैयारी और आंत से जुड़ी कई और बीमारियों के इलाज में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। हालांकि इसकी गुणवत्ता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सनाई कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए भी प्रभावी हो सकता है। अनुसंधानों से पता चलता है कि सनाई में मौजूद सेनोसाइट्स की वजह से यह आंत की सफाई में मदद करता है और पौधों में मौजूद एंथ्राक्विनोन रसायन इसे रोगाणुरोधी गुण प्रदान करते हैं। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रबंधन विभाग ने सनाई या सेना के पौधों को ओवर द काउंटर लैक्सेटिव के तौर पर मंजूरी दी है। 2 साल और इससे अधिक उम्र के बच्चों में कब्ज जैसी बीमारी के इलाज के लिए इसे प्रभावी माना गया है। सनाई एक उत्तेजक लैक्सेटिव दवा है जो आंत की गतिशीलता को बढ़ाने में मदद करती है, यानी आंत के संकुचित होने की क्रिया जिसमें भोजन और अन्य अपशिष्ट पदार्थ मल के माध्यम से शरीर से आसानी से बाहर निकल जाते हैं, इस क्रिया को पेरिस्टाइलिसिस कहते हैं। सेना के पौधों की पत्तियों और फूलों में पाए जाने वाले सेनोसाइट्स नामक फाइटोकेमिकल्स इस कार्य में मदद करते हैं। चूंकि सनाई आंतों की सफाई करने में मदद करता है, इसलिए इसे कभी कभी अन्य घटकों जैसे सोडियम पिकोसल्फेट और पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल के साथ कोलोनोस्कोपी से पहले प्रयोग में लाई जाती है। कोलोनोस्कोपी एक प्रकार का नैदानिक परीक्षण है जिसमें बड़ी आंत या कोलोन के अंदर की स्थिति को देखने के लिए एक कैथेटर और छोटे से कैमरे का उपयोग किया जाता है। हार्निया के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कुछ आयुर्वेदिक औषधियों में भी सनाई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सनाई का लंबे समय तक इस्तेमाल विशेष रूप से हाई डोज में नुकसानदेह हो सकता है, लिहाजा इसके उपयोग से पहले चिकित्सक से जरूर सलाह लें। एक अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि लंबे समय तक रहने वाले क्रॉनिक कब्ज के उपचार में सनाई मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरह ही प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा सनाई अर्क और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों ने ही आंत के कार्यों को आसान बनाकर मलोत्सर्ग में मदद की, जिससे रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान पाया कि कब्ज को ठीक करने में सनाई को उपयोगी औषधि माना जा सकता है। पशुओं पर किए गए अध्ययन से पता चला कि सनाई के एक प्रकार कैसिया एंगुस्टिफोलिया का मेथनॉल अर्क लीवर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के साथ गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। इतना नहीं, यह बैड कोलेस्ट्रॉल LDL और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को कम करने के साथ लीवर में होने वाले घाव से भी बचाता है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सनाई टीका लंबे समय तक उपयोग किया जाए तो यह लीवर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि सनाई की कई प्रजातियों को प्रयोग में लाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी एक प्रजाति कैसिया ऑक्सीडेंटलिस को लीवर रोग की आयुर्वेदिक इलाज के महत्वपूर्ण घटक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। शराब की लत के कारण होने वाले लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में भी यह प्रभावी है। लीवर की बीमारी को ठीक करने के लिए यदि आप सनाई को प्रयोग में लाएं या लाने का विचार कर रहे हो तो आप अपने सेहत के मुताबिक उचित खुराक के बारे में जानने के लिए जरूर किसी चिकित्सक से परामर्श करें। कई अनुसंधानों से पता चलता है कि सनाई टोरा के पौधों के बीज एंथ्राक्विनोन यौगिक बनाने में मदद कर सकते हैं। एंथ्राक्विनोन निम्न प्रकार के संक्रमणों के इलाज के लिए प्रभावी साबित हुआ है।
वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी। एंथ्राक्विनोन उन एंजाइम्स के उत्पादन को बाधित कर देता है जो हेपेटाइटिस बी बीमारी के लिए जिम्मेदार वायरस को बढ़ने और प्रतिकृति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर्पीज संक्रमण, शोध से पता चलता है कि एंथ्राक्विनोन के एंटीवायरल गुण हर्पीज संक्रमण के इलाज में मदद कर सकते हैं, जिसमें कोल्ड सोर और जन्नांग दाद जैसी समस्याएँ भी शामिल हैं। सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के 70% मामले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV 16 या HPV 18 संक्रमण के कारण होते हैं। अनुसंधानों से पता लगा है कि इन वायरस के खिलाफ भी सनाय का उपयोग फायदेमंद हो सकता है। मनुष्यों पर इस लाभ की पुष्टि के लिए और अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। दवा प्रतिरोधी संक्रमण, शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इस पौधे में मौजूद रसायन कई प्रकार के दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के उपचार में भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन, कुछ अनुसंधानों से यह भी पता चलता है कि एंथ्राक्विनोन CLVcans फंगल के कारण होने वाले फंगल संक्रमण से भी हमारी सुरक्षा कर सकता है। बैक्टीरियल संक्रमण, पीयर रिव्यूड जर्नल BMC कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन में प्रकाशित एक शोध से पता चलता है कि कैसिया एंगुस्टिफोलिया, जिसे भारतीय सनाई भी कहा जाता है, का अर्क ई क्लोएका और पी एरुजिनोसा, एस मर्जेंसंस और एस टाइफी जैसे सूक्ष्म जीवों के विकास को बाधित करने की क्षमता रखते हैं। ये बैक्टीरिया निम्न प्रकार के संक्रमणों के कारण बन सकते हैं। ई क्लोएका, मूत्र पथ के संक्रमण और श्वसन संक्रमण के लिए। पी एरुजिनोसा, स्क्यूडोमोनास संक्रमण, निमोनिया का प्रमुख जोखिम कारक होता है। एस मर्सेसंस, श्वसन संक्रमण, एंडोकार्डियक हृदय, ऑस्टियोमाइलोटिक हड्डी में संक्रमण, सेप्टिमीसिया रक्त संक्रमण, घाव में संक्रमण, आँखों में संक्रमण और मेनिनजाइटिस मस्तिष्क की संक्रमण। एस टाइफी, टाइफाइड बुखार के कारण। वैज्ञानिकों ने कैसिया एजुस्टिफोलिया में 3 प्रकार के फ्लेवोनाइड्स पाए जो कैंसर कोशिका के विकास को रोक सकते हैं। फ्लेवोनाइड्स एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाले प्लांट केमिकल होते हैं जो निम्न प्रकार के हो सकते हैं, क्वर्सी मेरिटीन, स्केटेलेरिन रूटीन। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में वजन घटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई जड़ी बूटियों में से सनाय भी एक है। एक अध्ययन के अनुसार ये जड़ी बूटियां फैटी एसिड सिंथेसिस को बाधित करती हैं। हालांकि यह अध्ययन जानवरों पर एक लैब में किया गया था, इंसानों में इसके प्रभाव को जानने के लिए अभी और अध्ययन की आवश्यकता है। वजन घटाने के लिए सनाय का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक से जरूर मिलें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए सनाय की सही खुराक और इस्तेमाल का सही तरीका क्या होना चाहिए, ये जानने के लिए किसी विशेषज्ञ या आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें। चिकित्सक से ऐसे इस्तेमाल करने की अवधि के बारे में भी जानना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके दीर्घकालिक उपयोग के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। UK की नेशनल हेल्थ सर्विस का सुझाव है कि सनाय के सेवन को 1 सप्ताह तक ही सीमित रखना चाहिए। यहाँ हम आपको WHO की जरूरी दवाइयों की लिस्ट में सनाय की जो खुराक बताई गई है इसके बारे में बता रहे हैं। लैक्सेटिव के रूप में सेनोसाइट्स युक्त 7.5 मिलीग्राम की गोलियाँ या दवा का पारंपरिक रूप। दर्द निवारक रूप में 5 ml लिक्विड में सनाय के अर्क की 7.5 मिलीग्राम मात्रा। सनाय का उपयोग निम्न स्थितियों में नहीं करना चाहिए: गर्भावस्था या फिर अगर आप गर्भवती होने की कोशिश कर रही हो, स्तनपान कराने वाली माँ को, अल्सरेटिव कोलाइटिस। विशेषज्ञों का मानना है कि जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या जैसी अल्टरेटिव कोलाइटिस या क्रोहन डिजीज हो, उन्हें सनाय के इस्तेमाल में सावधानी बरतनी चाहिए। लंबे समय तक सनाय का इस्तेमाल पेट में ऐंठन का कारण बन सकता है। क्रोहन रोग, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, यदि आप मूत्रवर्धक स्टेरॉइड या हृदय रोग की दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो सनाय का इस्तेमाल न करें। अन्य प्रकार के लैक्सेटिव की ही तरह सनाय, विशेषकर इसकी पत्तियों के उपयोग से कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से लोगों को दस्त और पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन बच्चों को कब्ज के लिए सनाय दी गई उनमें पेरिनेल ब्लिस्टिंग हो सकती है।
हालांकि यह मामले काफ़ी दुर्लभ हैं। यह दुष्प्रभाव उन लोगों में अधिक पाया गया जिन्होंने सनाई की प्रतिदिन 17.5 मिलीग्राम की जगह 60 मिलीग्राम की बड़ी खुराक का सेवन किया। भले ही अमेरिका में सनाई को कम समय के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई हो, लेकिन इसके लंबे समय के इस्तेमाल के लिए आपको किसी चिकित्सक से जरूर परामर्श लेना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान कब्ज एक बहुत ही आम समस्या है, लेकिन विशेषज्ञ गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान सनाई के उपयोग को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंतों में जमा हो सकता है। इसके अलावा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सनाई का लंबे समय तक और निरंतर उपयोग करने से आंत की कार्यप्रणाली में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ मामलों में सनाई का उपयोग लोगों में खुजली का भी कारण बन सकता है, तो आप इसके सेवन से पहले किसी विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें। धन्यवाद।